एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो आज बनाऊंगी मुंबई का फेमस ओड़ा पाव। तो ओड़ा पाव बनाने के लिए जो भी चाहिए मैं सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है। तो आलू बॉईल करके रख दिया था, उसको अच्छे से छील के निकाल दे रही हूँ। तो गाइस छिलका निकाल न्यू आलू से मैंने ओड़ा पाव बनाऊंगी। तो कैसे लगता है रेसिपी देख लीजिए। तो देखिए कढ़ाई में तेल लिया था, तो कढ़ाई में तेल देने के बाद जो मसाला देने के लिए भूल गई थी वो मैंने लिख के दे दिया, आप लोग देख लीजिए। लास्ट में दिया गार्लिक एंड कड़ी पत्ता, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद ही उसका टेस्ट रहेगा। उसके ऊपर सॉल्ट देंगे, हल्दी पाउडर देंगे, हल्का सा गरम मसाला दे सकते हैं, आपका मर्जी है। देखिए उसके अंदर मैं फ्राई नहीं करूँगी, एक एक करके आलू मैंने दे देंगे मसाला के अंदर। तो अच्छा से भून लेंगे ओड़ा बनाने के लिए। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका है ओड़ा का आलू। तो अब बनाऊंगी बेसन का है। तो बेसन ले लिया, सॉल्ट, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर सब देख अच्छा से इसको एक पेस्ट बना लेंगे। देख सकते हैं मेरा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं जो आलू का गोला बना उसमें धनिया पत्ता देने के लिए भूल गई थी, तो लास्ट में मैं धनिया पत्ता ऐड कर, धनिया पत्ता मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, इसके लिए मैं हर चीज़ में ऐड करती हूँ। आप लोग को अगर पसंद नहीं तो स्किप कर सकते हो। तो देख सकते मैंने एक एक करके इसका गोला बना ले रही हूँ आलू का। तो बना के ऐसे शेप में मैं थोड़ा सा हल्का बड़ा जो से रहता है थोड़ा हल्का बड़ा ही दे दूँगी। तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, घर में खाने के लिए जस्ट दो ही लोग हैं, इसके लिए चार ही बनाए। तो देख सकते एक करके ऐसे डुबोऊंगी हल्का हाथों से, और इसको जो गोला को थोड़ा सा गाढ़ा रखने के गए, इस गाढ़ा से क्या है ना अच्छा रहता है। तो देखिए एक एक करके मैंने गर्म हुआ तेल का अंदर सब ऐड कर दिया, ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा से मेरा वड़ा बन के रेडी हो चुका है। एंड इसको एक करके ऑयल निकालने के लिए जाली में सर्व कर लेंगे। देख तो आप लोग भी बना के खा के देखिए, हमेशा बाहर का चीज़ अच्छा नहीं रहता, घर पे भी बना के खा सकते। एंड अब मैं बनाऊंगी चटनी। तो धनिया पत्ता का चटनी बनाऊंगी। धनिया पत्ता लिया, थोड़ा सा गार्लिक लिया, थोड़ा सा अदरक एंड दही, सॉल्ट, जीरा बस एंड मिर्च, इतना सा है। देखिए चटनी में मेरा रेडी हो चुका है। एंड देखिए लास्ट मोमेंट में मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मेरा एकदम बहुत ही मैं बहुत दिन का आई थिंक